ये बोल रहे थे कि एचसीवर में चैप्टर 34 और 35 दोनों होमवर्क था, हो गया है।34 पूरा नहीं है, और 35 वो हो गया। कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में? नो, थर्टी बाकी जनता को सिक्स में 40 तक बनाने बोले थे ना, किसमें? चैप्टर चैप्टर 36। 36 अभी कहाँ दिए हैं सर? 34 35 ही ना दिए। अच्छा सर 1 to 40 शायद बोले थे। 36 में तो मैंने ये वाला चैप्टर है ना शायद। हाँ एक मिनट देख लेते हैं। चैप्टर 34 35 तो पूरा बोले थे और 36 36 तो अभी शायद किए भी नहीं है। ठीक, 36 वाले में से ज्यादा हमसे पूछता नहीं है, ठीक है? ये मतलब जो पहले गए पढ़े हुए हैं उसी से रिलेटेड है। ये तो अभी हम लोग को पढ़ना है, फिर अर्थ मैग्नेटिज्म ये सारी चीजें। 36 में अभी क्वेश्चन नहीं दिए हैं, ठीक है? 36 में टोटल 25 क्वेश्चन ही है। ठीक है, 36 वाला जो चैप्टर है ये अगर तुम लोग इलेक्ट्रोस्टेट पढ़े हो तो इलेक्ट्रोस्टेट में जो हम लोग डाइपोल ये सब के बारे में पढ़े थे उसी से रिलेटेड है, ठीक है? तो यस जैसे हम लोग फर्स्ट कर रहे थे कि बार मैग्नेट को एक डाइपोल की तरह मान सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल प्लस है माइनस है तो उसी पे बेस्ड है, ठीक है? ठीक है, तो देखते हैं। आज हम लोग को जैसे मैग्नेटिज्म में कुछ डिवाइसेस के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक सर, है? हाँ मैग्नेटिक डाइपोल निकालने बताया थे तो उसमें क्वेश्चन बनाए थे ना ट्यूब का, हाँ वो एक बार फिर से बता दीजिए सर। ऐसा मतलब था वही ना, यस सर, ऐसा था, ठीक है? तो बोले थे कि ये ऐसा कुछ था शायद, ये एक्सिस था, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस, तो इसमें करंट ऐसे बह रहा था। तो हम जब भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं लूप के लिए तो एम इजकल टू आई इन टू ए होता है, ठीक है? डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेते हैं। तो ऐसे को हम लोग लूप बनाना है तो हम यहाँ पे ऐसे दो लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है? ऊपर वाले को ऊपर, तो देखिए इधर करंट गया और इसमें इधर, एक ऊपर लूप दिखने लगा और एक नीचे लूप दिखने लगा। देखो यस अगर ये करंट आई है ये भी आई है तो ये दोनों मिलकर तो यहाँ करंट जीरो ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो हम लोग को ऐसा कभी दिखेगा तो हम लोग इसे अलग अलग पार्ट में करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर अब हो जाएगा? तो वही चीज किए थे, इसके लिए एक निकाले थे फिर इसके लिए, और दोनों का वेक्टर सम कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिवाइसेस के बारे में हम लोग को जानना है। तो पहला है वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है? जैसे कि ये क्या होता है कि हमें कभी कभी कुछ चार्ज पार्टिकल्स को सीधा सीधा कहीं फेंकना होता है, यानी कि हम एकदम स्ट्रेट लाइन में पाथ में हम चाहते हैं कि किसी स्पीड से चार्ज जाए, तो वहां पे हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर यूज करते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? तो ऊपर एक प्लेट होता है, नीचे एक प्लेट होता है, यानी कि ये जो है कंडक्टिंग प्लेट्स है, प्लेट्स दोनों जो है ऊपर नीचे कंडक्टिंग प्लेट है, जैसे कैपेसिटर में हुआ करता था। हम ऊपर वाले पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज लेट से दे दिए और नीचे वाले पे हम ऐसा निगेटिव चार्ज दे दिए,
अगर ऐसा हुआ तो हमें दिख रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, पॉजिटिव से इधर की तरफ हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी रीजन में हम क्या कर रहे हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड भी इस रीजन में ऐसा इनटू द प्लेन जनरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू द प्लेन है, यानी कि एक ही रीजन में हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब अगर हम यहाँ से किसी एक चार्ज को, ठीक है, यहाँ से अगर हम एक कोई चार्ज है क्यू मास मान लेते हैं, मैं इसे हम यहाँ से किसी स्पीड से फेंक रहे हैं, ठीक है, तो स्पीड से फेंकेंगे तो जब बीच में जाएगा, ठीक है, जब चार्ज कहीं यहाँ पे आएगा तो क्यू जो चार्ज है यहाँ पे उस पे दो फोर्सेस लगता हुआ हमें दिखेगा, एक तो इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इधर की तरफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा जो कि क्यू इंटू ई दिख रहा है, और ऊपर की तरफ अगर हम देखें चार्ज जब यहाँ है अंदर चला चुका है तो एक फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड यानी बी क्रॉस बी, तो वो दिख रहा है कि ऊपर की तरफ हमें मैग्नेटिक फोर्स लगता हुआ दिख रहा है, हम ये क्यू बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को हम इस रीजन से पास कर रहे किसी स्पीड से सॉरी, तो अगर हम चाहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सीधा सीधा इसी लाइन में पास कर जाए, डेविएट ना करे, तो यहाँ कंडीशन क्या होना चाहिए बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये सीधा सीधा जाए, यानी कि टू पास दिस चार्ज इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में अगर हमें पास करना है तो इसके लिए हमारा कंडीशन क्या होगा कि जो एफ ई है ये एफ एम के बराबर हो, तो यहाँ से जो हम लोग को कंडीशन दिख रहा है ये दिख रहा है क्यू ई इक्वल टू क्यू वी नॉट इन टू बी, क्यू से क्यू गया तो ये जो वी नॉट है ये हमें दिख रहा है ई बाई बी, यानी कि ई बाई बी का रेशियो जो है ये हमें वी नॉट दे रहा है, और ये जो होता है वेलोसिटी सेलेक्टर होता है, यानी कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इतना स्पीड से फेंकेंगे तो ये जो चार्ज पार्टिकल है सीधा सीधा निकल जाएगा, यानी कि अगर हम केसेस का बात करें, वी अगर वी नॉट के बराबर होगा तो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा, ठीक है। केस टू अगर हम बोलते हैं कि वी जो है ग्रेटर देन वी नॉट होगा तो कैसा पाथ जाएगा बताओ, वी अगर ग्रेटर देन वी नॉट यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो पैराबोला अपवर्ड होगा, दिख रहा है यस अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इस केस में अगर हम देखें तो ये ऐसा चला जाएगा ऊपर की तरफ क्योंकि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, यानी कि इस केस में हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड हेंस पार्टिकल विच डेविएट अलोंग नेट फोर्स। इसी तरीके से हम केस थ्री बोल सकते हैं, मोस्टली हमारा यही केस जो है जरूरी है क्योंकि वही हमें वेलोसिटी सेलेक्टर देता है, वी लेस देन वी नॉट रहा तो इस केस में क्या होगा, एफ ई डाउन ज्यादा होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिवाइस हमें दिख रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। ये कहीं कहीं पे बीच बीच में हम लोग यूज करते हैं कि अगर हमें कहीं भी चार्ज पार्टिकल को सीधा सीधा फेंकना हो तो सीधा सीधा, जैसे कि अल्फा पार्टिकल बोमबार्डमेंट करना था तो हमें उसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल को क्या करते हैं, सीधा सीधा फेंक रहे होते हैं, तो उस मतलब सीट पे एकदम पैरेलली सीधा सीधा जाए तो उसे हम क्या करते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर से पास करते हैं, तो वेलोसिटी सिलेक्टर से अगर जाता है यानी कि इतने स्पीड से फेंकते हैं तो गोल्ड फॉइल पे सीधा सीधा जाता हुआ नहीं दिखता है, फिर वहां पे वो डेविएट करे या जो भी हो, क्लियर है, यस इतना बात में किसी को दिक्कत।
नो मीटर। नेक्स्ट है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? तो ये एक डिवाइस होता है, इट इज अ डिवाइस यूज टू सेपरेट आयंस। ठीक, हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे आयंस हों, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन, ऑन द बेसिस ऑफ मास अपॉन चार्ज रेशियो। हो सकता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, हम उसमें से पॉजिटिव को अलग करना चाहते हैं, निगेटिव को अलग करना चाहते हैं, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, इसका मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस टाइप का होता है, यानी कि इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। मान लेते हैं कि ऐसा ये दो जो है गैप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन दिख रहा है। हम चाहते हैं कि इससे चार्ज को हम सीधा सीधा यहाँ से फेंके, क्यू को यहाँ से हम किसी स्पीड से फेंकना चाहते हैं, यानी कि ये जो गैप होता है बहुत कम होता है, तो हम इससे सीधा फेंकना चाहते हैं। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मास स्पेक्ट्रोमीटर भी लगा होता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर बोल रहे हैं, ये है वेलोसिटी सिलेक्टर, सिलेक्टर। ठीक है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। अब यहाँ पे अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल है, क्यू एम मास है बहुत जो भी है, इसे हम फेंक रहे हैं, तो फेंक रहे हैं तो सीधा सीधा जाएगा, जो कि सबका स्पीड वी नॉट हो, कुछ इधर रह जाएगा कुछ इधर रह जाएगा, तो ये हमारा बैरियर दिख रहा है, यानी कि ये सिर्फ सीधा वाले जो चार्ज पार्टिकल है उसे ही जाने देगा। सीधा वाले को इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ से जो भी पार्टिकल जाए, ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ से जो भी पार्टिकल जाए सबका प्रॉपर्टी सेम रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से हमें दिख रहा है कि चार्ज पार्टिकल को अगर हम इस रीजन में फेंक रहे हैं तो वी क्रॉस पी ये सीधा जा सकता है, ऐसा आ सकता है, या फिर ऐसा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि चार्ज कैसा है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि रेडियस जो होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एमबी बाई क्यू बी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी सबका भी नॉट रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू है। ठीक है, तो रेडियस के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये, तो अगर हम लोग सीधा सीधा निकल गया, तो सीधा सीधा निकल गया तो हमें दिख रहा है कि ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तभी वो सीधा जाएगा। वी क्रॉस बी को अगर देखे तो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस साइड आएगा, निगेटिव चार्ज होगा तो इस साइड आएगा। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट आयंस को ऐसे फेंकते हैं तो सारे अलग अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, एक का रेडियस ज्यादा एक का रेडियस कम, तो डिपेंडिंग ऑन मास बाय चार्ज रेशियो हमें दिख जाएगा कि यहाँ पे आया कि इधर गया। ठीक है, तो चार्ज और मास के रिस्पेक्ट में हम लोग को अलग अलग सेपरेट सेपरेट आयन्स मिल गए। न्यूट्रल वाले सीधे पार कर गए, पॉजिटिव वाले लेफ्ट साइड, निगेटिव वाले राइट साइड, और ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस ये हमें यानी कि मास बाई क्यू रेशियो से एक एक तरफ मिल गया। तो ये चीज होता है हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, यस ठीक है, तो इसका यूज करते हैं हम लोग कि अगर आयन्स को सेपरेट करना हो, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आयन सेपरेट हो गए। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन ये भी एक डिवाइस होता है जिसमें हम लोग चार्ज को एक्सेलरेट करना चाहते हैं। इट इज अ डिवाइस
यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जैसे कि हम अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट जो कि तुम लोग पढ़े होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसमें बोला जाता है कि हम अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉयल पे फेंकते हैं किसी स्पीड से। ठीक है, तो अब उससे हम अल्फा पार्टिकल को क्या हाथ से उठा के फेंकते हैं, गुलेल से, गन में, कैसे फेंकते हैं? कुछ तो होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई आम तोड़ना हो तो पत्थर उठा के मारते तो हाथ से मारते हैं या गुलेल से मारते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम चार्ज पार्टिकल को फेंकना चाहते हैं किसी स्पीड से, तो हम कैसे फेंकेंगे? हाथ से उठा के फेंकेंगे क्या? नहीं, क्योंकि चार्ज अगर हम बोले कि थोड़ा सा है तो अल्फा पार्टिकल है, तो उसे हाथ पे हम ले ही नहीं पाएंगे। तो कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं, यानी कि साइक्लोट्रॉन जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल को कोई वेलोसिटी देना होगा तो हम उतना एनर्जी है उसको वेलोसिटी दे सकते हैं, उससे हम लोग उसको फेंक सकते हैं। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन हमारा यही होता है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को हमें स्पीड प्रोवाइड करना हो, जैसे कि हम ऊपर बोल रहे थे कि एक चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ पे भी स्पीड से फेंकें, तो ये चार्ज पार्टिकल को स्पीड कहाँ से दिए होंगे? जो चार्ज पार्टिकल है इसे अगर हम स्पीड से फेंक रहे हैं, तो ये स्पीड कहाँ से आया, कैसे हम उसको स्पीड दिए, तो उसी के बारे में यहाँ पे है। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ होता है, ऐसे दो डीज होते हैं, यानी कि डी शेप का होता है इसलिए इसे डीज बोलते हैं, एक ऐसा और एक। ऐसा ठीक है, हमें दिख रहा है कि ये दो डी शेप का है तो इसीलिए हम लोग इसे डीज बोलते हैं। डीज कंडक्टर होता है। ठीक है, इस डी वाले शेप में जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें ऐसा अंदर की तरफ, इसी रीजन में सिर्फ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, दोनों रीजन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, और ये कंडक्टर है तो इसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस भी हम बोल रहे हैं, एसी सोर्स है यानी कि ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, तो हमें दिखेगा कि इस रीजन में इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस डीज के जितने दूरी में है उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन दिख रहा है, और ये जो खाली स्थान बीच में दिख रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा साइक्लोट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसको हम यूज कैसे करते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को स्पीड देने के लिए, तो उसे हम सिर्फ डी वाले शेप को बना रहे हैं इधर, ये एक डी हो गया, थोड़ा बीच में हम गैप दिखा रहे हैं ताकि समझ में आए, ये दूसरा डी हो गया। हम इसे यहाँ पे ऐसे एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इनटू द प्लेन तो है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, बोल दे रहे हैं बी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम किसी मोमेंट पे बात कर रहे थे प्लस माइनस है, तो यहाँ पे अगर हम इस चार्ज क्यू को रखे हैं तो हमें दिख रहा है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमें दिख रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अगर हमें दिख रहा है, तो हमें अगर ये चार्ज की अगर बात कर रहे हैं कि ये चार्ज है, तो ये चार्ज इधर की तरफ मूव करना शुरू होगा, यानी
कि अगर चार्ज रेस्ट में था, पॉजिटिव चार्ज ले रहे थे, भी स्पीड से ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी रीजन में है जैसे कैपेसिटर का हुआ करता था। अब जैसे ही इस डी वाले रीजन में आएगा तो दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो ये ऐसा से बनाएगा, सर्कुलर पाथ होगा, दिख रहा यस है। अब ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एसी सोर्स इसलिए यूज करें हैं कि ये जो है अपना डायरेक्शन चेंज करता रहे, यानी कि अभी इधर प्लस और माइनस था, अब ये जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ आया तो ये इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। इधर जब प्लस हुआ तो इसके इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया होगा, इधर हो गया है। तो इस केस में हमें क्या दिखेगा कि ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसका जो स्पीड होगा बढ़ रहा होगा, स्पीड बढ़ेगा क्योंकि यस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड बढ़ा, तो यहाँ पे इसका रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा तो ये फिर से जाएगा स्पीड बढ़ता हुआ, यानी कि रेडियस फिर से बढ़ेगा। तो ऐसा ही ये बार बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे, तो हमें दिख रहा है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ऐसा उसका स्पीड हर बार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऐसा बढ़ते जा रहा है। अगर हम मान लेते हैं कितना ये रेडियस है, यहाँ से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ओपनिंग है थोड़ा सा, तो ये यहाँ से ऐसा सीधा निकल गया एकदम, मतलब लास्ट मोमेंट, क्लियर है। तो यहाँ से हमें जो कुछ स्पीड वी नॉट मिलेगा, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल यहाँ रेस्ट पे था उसका स्पीड बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते बढ़ते हमें कुछ स्पीड मैक्सिमम वी नॉट मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे जो एसी सोर्स लिए हैं, एसी सोर्स यानी कि इसका जो डायरेक्शन है हमेशा चेंज होते रह रहा है। इतना बात क्लियर है? यस yes. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो एसी सोर्स है इट्स डायरेक्शन चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। ठीक है, हर आधे रोटेशन के बाद, यानी चार्ज पार्टिकल आधा रोटेट हो रहा है उसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें दिख रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस ठीक है, और ये ऐसा हम लोग रखेंगे कि इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग वेलोसिटी, वेलोसिटी के अलोंग ही लगे, तो वेलोसिटी के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो हमें क्या दिख रहा है कि स्पीड जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होते जाएगा, इन होते होते इंक्रीज होते हुए हमें एक मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगा। यहाँ अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड अगर रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज की बात करें तो कितना होगा बताओ, ऑफ चार्ज, ये तो वेलोसिटी पर डिपेंड होता नहीं है, 2 पाई m/q भी होता है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड है, मास उसका होगा, तो इसका टाइम पीरियड यही होगा। तो जो हमारा सोर्स है उसका भी टाइम पीरियड हमें यही रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इसमें इतना ही रोटेट हुआ, अब ये यहां से यहाँ आया तब तक इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वी हैव टू कीप टाइम पीरियड ऑफ सोर्स इक्वल टू 2 पाई m/q, यानी कि सेम सेम टाइम पीरियड हमें रखना पड़ेगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, यानी कि जो हमारा सोर्स है और ऑसिलेशन है दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए।
फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर करने का मतलब हम सोर्स की बात कर रहे हैं, विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो चार्ज की बात कर रहे हैं, यानी कि चार्ज जो मूव कर रहा है उसका हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। जब भी दो चीज का फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, कभी भी हम लोग जानते हैं, वेब से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी दो चीजों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो उसे बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो यहाँ से एफ आर जो मिलेगा हमें वो 1/T मिलेगा, जो कि हमें दिख रहा है qv/2πm है, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है हमें इतना मिलेगा। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम किसे बोल रहे हैं, तो जो वो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल था। अब इतना चीज हम जान गए, तो हमसे पूछा जाए कि ये वी नॉट जो है, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, कितना होगा अगर इस डिस्क डी का रेडियस मैक्सिमम आर हो। तो मैक्सिमम आर होगा तो आर पे ही निकलेगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिंस आर जो होता है mv/qv होता है, तो यहां से हम बोल सकते हैं वी नॉट जो होगा वो qb(r/m) होगा। आर क्या है, रेडियस ऑफ डीज। ठीक है, जो डीज हम यूज कर रहे हैं उसका जो मैक्सिमम रेडियस है उसे ही हम बोल रहे हैं। अगर मैक्सिमम है तो ये जो वी नॉट है ये हमारा मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें ये मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गया। तो ये वेलोसिटी अगर ध्यान से देखो, वी मैक्सिमम जो हमें दिख रहा है ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो चार्ज बाय मास रेशियो, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियस ऑफ डी, इन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है। चार्ज बाय मास रेशियो अगर ज्यादा रहा तो हम ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए चार्ज बाय मास रेशियो करेंगे तो ई बाय एम पी मिलेगा। अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होता है 2e होता है और मास 4 mp होता है, तो ये हमें e/2 mp मिल रहा है, यानी कि चार्ज बाय मास रेशियो जो है ये दिख रहा है। तो प्रोटॉन का चार्ज बाय मास रेशियो अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो वेलोसिटी प्रोटॉन का हम ज्यादा पा सकते हैं सेम मैग्नेटिक फील्ड और आर के लिए, यानी कि किसी एक साइक्लोट्रॉन की बात करें तो एक बार बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड और आर तो सेम रहेगा, तो उस केस में हम प्रोटॉन का वेलोसिटी ज्यादा पा सकते हैं एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अगर हम लोग देख रहे हैं ये वेलोसिटी है तो मैक्सिमम इनर्जी कितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम इनर्जी प्रोवाइडेड टू चार्ज, चार्ज को हम मैक्सिमम इनर्जी कितना दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेलोसिटी दे रहे हैं, यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, हाफ एम बी मैक्सिमम का स्क्वायर। तो यहां से हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है qb/m, तो हम इसे लिखेंगे तो 1/2 b² r² / m आ जाएगा। इतने में किसी को दिक्कत? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तीन डिवाइसेस देखे, और तीन डिवाइसेस में क्या क्या देखे, तो एक तो वेलोसिटी सिलेक्टर, वो भी बहुत ही छोटा सा चीज है, मास स्पेक्ट्रोमीटर हुए आयंस को सेपरेट करने के लिए, और यहाँ पे देख रहे हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक है, यानी कि अगर हम कहीं भी यूज करना हो तो हम तीनों का एक साथ यूज कर लेते हैं, या फिर साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन के बाद मास स्पेक्ट्रोमीटर लगा सकते हैं, सीधा सीधा फेंकना हो तो। यहाँ पे हमें यह चीज दिख रहा है,
इसका लिमिटेशंस पूछा जाए तो लिमिटेशंस बता सकते हैं कि एक बार कंस्ट्रक्ट हो गया तो हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही दे सकते हैं पार्टिकल को। यहाँ पे जो एनर्जी है मैक्सिमम है, यानी कितना लिमिट है, लिमिट ऐसा क्यों है, तो जो सोर्स है उसका फ्रिक्वेंसी लिमिट होगा, मैग्नेटिक फील्ड लिमिटेड होगा, रेडियस फिक्स है अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये लिमिटेशन हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में जानते हैं कि जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हमें उसका कंस्ट्रक्शन देखना है कि वो कैसा होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो सिर्फ करंट डिटेक्ट करने के लिए होता है, IG मैक्सिमम करंट इससे पास होगा, वो सब चीजें हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये जी है, इसका रेजिस्टेंस जो है जी है, इधर से करंट IG जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है, ठीक है। तो हम वो सब चीज यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्टली आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। ऐसे इसका कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ये दोनों जो चीजें हैं, ये जो हम दोनों बना रहे हैं, ये मैग्नेट है, ठीक है। इधर हम बोल दे रहे हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसके बीच में एक ऐसा कोर रखा हुआ है, आयरन कोर, और इसके ऊपर ऐसा जो है हम मान लेते हैं कि जो वायर लिपटा लिपट के रखे, वायर लिपटा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से ये जो चीज है ये बाहर सर्किट में जुड़ा हुआ रहेगा। ये जो वायर है इसे हम लोग बाहरी सर्किट में मान लेते हैं कि जोड़ रहे हैं, जैसे कि अगर ये है बैटरी से जोड़ दिए तो इसमें एक करंट ऐसा बहेगा, ठीक है। तो हमें एक दिख रहा है कि यहाँ पे लूप है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, यहाँ पे हम लोग एक स्प्रिंग से ऐसा अटैच करके रखे रहते हैं, ये स्केल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। ये जो है स्प्रिंग है, ये क्या है, स्प्रिंग है, इसे टोर्जन स्प्रिंग बोलते हैं, ऐसा शेप होता है, इसे हम बोलते हैं टोर्जन स्प्रिंग, ठीक है। इसे थीटा रोटेट करेंगे तो जो फोर्स ऑफ स्प्रिंग होता है वो C × थीटा लगता है, ठीक है। ये टॉर्क, सॉरी टॉर्क है, सी को बोलते हैं हम लोग टोर्जन कांस्टेंट, ठीक है। ये स्प्रिंग जो है खिलौने वाले गाड़ी ये सब में देखे होंगे कि चाबी वाले जो आते थे उसमें हम लोग चाबी लगा के फिर घुमाते थे, रख देते थे, वो भागना शुरू, तो ये वही वाला है स्प्रिंग है, ठीक है। यानी कि हमको यहाँ से बीच से अगर हम घुमा देंगे छोड़ेंगे तो फिर से ये एक्सपेंड करेगा, क्लियर है। तो ये जो हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग जो है हम लोग मोस्टली इसी चीज को कंसीडर करते हैं, लेकिन स्प्रिंग बहुत तरह के होते हैं, तो ये भी एक स्प्रिंग ही। वो जो गाड़ी में ब्लेड आता है पत्ती जिसे बोलते हैं ऐसा लगा होता है, देखे हो, उसे भी स्प्रिंग ही कहते हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ऐसा सिस्टम दे रखा है तो इसे हम लोग बोलते हैं कि टोर्जन स्प्रिंग है। इसे अगर थीटा से रोटेट करेंगे तो जो टॉर्क डेवलप होता है वो C × थीटा होगा, सी जो होता है उसे हम टोर्जन कॉन्स्टेंट कहते हैं, इसे स्प्रिंग का प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे अगर हम इससे देखते हैं तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक कॉयल है हमारा और इसमें n टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n दिख रहा है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो कॉयल को, करंट कैरिंग कॉयल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, n टर्न्स है, और इसका अगर एरिया बोल दे कि एरिया जो है ए है, तो हम यहाँ से टॉर्क लिख सकते हैं कि इस पर टॉर्क कितना लग रहा होगा।
यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि इफ देयर इज करंट इन क्वाइल, ठीक है, क्वाइल में अगर करंट होगा देन इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, अ टॉर्क, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क जो होगा वो टॉर्क हम मैक्सिमम के लिए लिख रहे हैं, और वो लिख रहा है कि एन आई जो भी मैक्सिमम होगा ए बी, ठीक है। एम क्रॉस बी था, एम क्रॉस बी के लिए तो एम की जगह क्या लिखे हैं, एन आई ए बी। तो ये जो है टॉर्क ये स्प्रिंग के लिए तो स्प्रिंग बोल दे रहे हैं, और ये क्वाइल है तो क्वाइल के लिए सी बोल रहे हैं। तो ये हमें टॉर्क दिख रहा है कि अगर करंट गया इसमें से तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो ये जो हमारा क्वाइल है ये रोटेट करना चाहेगा, घूमना चाहेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो साथ में ये जो आगे एरो लगा हुआ है यानी कि मीटर लगा हुआ है वो भी डिफ्लेक्ट करेगा। अब स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग उसे फिर से यहाँ पे ये जीरो होता है, जीरो से ये मैक्सिमम हम बोल रहे हैं थीटा है, इधर थीटा है तो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ और स्प्रिंग की वजह से फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है। सिंपल फॉर्म में अगर देखें तो दो मैग्नेट होता है, बीच में कॉइल होता है, कॉइल के थ्रू करंट पास होगा तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन आने के लिए हमें दिख रहा है कि टॉर्क लग रहा है इतना, और स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी रोटेट हुआ होगा तो उसके लिए हमें दिख रहा है कि थीटा अगर डिग्री रोटेट कर रहा है तो जो टॉर्क लगा होगा वो सी इंटू थीटा होगा। अब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखें तो दोनों टॉर्क जो है बराबर होंगे, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन हम देख सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं कि टॉर्क ऑन कॉइल जो है वो टॉर्क ऑन स्प्रिंग के बराबर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं एन आई ए बी विल बी इक्वल टू सी इनटू थीटा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि आई इक्वल टू सी बाई एन ए बी इनटू थीटा, ठीक है। सी जो है स्प्रिंग लगा है, उसका टॉर्जन कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ए एरिया ऑफ द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक गैल्वेनोमीटर बना के मार्केट में पहुंचा दिए तो उसमें ये वाले जो चीजें हैं हमें दिख रहा है कि कांस्टेंट रहेगा, सी बाई एन ए बी जो होगा कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम एक गैल्वेनोमीटर बना दिए तो उसके लिए सारा चीज जो है कांस्टेंट है, तो इसे हम कांस्टेंट के लिख सकते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि आई इज इक्वल टू के इनटू थीटा, या फिर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो यहां से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि जितना करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। मैक्सिमम थीटा के लिए जो करंट होगा वो मैक्सिमम करंट बोलते हैं, तो जिसे हम लोग बोला करते थे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, यानी कि थीटा जब मैक्सिमम होगा, यानी कि यह जीरो होता था, ये मैक्सिमम यहां से यहां तक आ गया, ये इसके लिए जो करंट पास होगा उसे हम बोलते थे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, यानी कि किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए वो फिक्स रहेगा, क्योंकि थीटा फिक्स हो जाएगा तो आईजी फिक्स हो जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा इज डिफ्लेक्शन एंगल है, ठीक है, और करंट जो है डिफ्लेक्शन करंट है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे हमें दिखा कि करंट जो है सी बाई एन ए बी इंटू थीटा, सी बाई एन ए बी जो है कॉन्स्टेंट है, सी टोर्जन कॉन्स्टेंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ए एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो जब भी हम एक गैल्वेनोमीटर बना चुके होंगे तो उसके लिए सारा चीजें कांस्टेंट होगी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा। क्लियर है इतना? यस ठीक है, इसके बाद एक दो टर्म्स हम लोग इसमें सीखते हैं। करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी क्या है, इसे हम IS से लिखते हैं। डिफिनेशन पहले लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट इज पास्ड थ्रू इट। ठीक है, यानी कि अगर हम एक यूनिट करंट पास करेंगे तो जो डिफ्लेक्शन आएगा उसे ही हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। यानी कि IS को हम क्या बोल सकते हैं, ये थीटा बाई आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि डिफ्लेक्शन अगर हम इसे वन कर देंगे तो जो डिफ्लेक्शन है उसे ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ ध्यान से देखो तो इसका यूनिट जो है IS का करंट नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है करंट सेंसिटिविटी का यूनिट जो होता है पर एम्पियर होता है, रेडियन पर एम्पियर। तो थीटा बाई आई अगर लिखेंगे तो हमें ऊपर से दिख रहा है कि NaV/C होगा, ये किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट होता है, रेडियन पर एम्पियर, या फिर बोलते हैं डिफ्लेक्शन पर एम्पियर इसका यूनिट। ये जो होगा किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए फिक्स होगा। करंट सेंसिटिविटी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो इतना करंट सेंसिटिविटी है, यानी कि इतना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से। अगर वन है तो थीटा क्या होगा, मतलब पर यूनिट करंट के लिए थीटा क्या होगा उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। ऐसे ही एक टर्म और डिफाइन होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी कि ये जो है हम लोग कोई भी गैल्वेनोमीटर खरीदने जाएंगे तो उन सब पे लिखा रहेगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये भी यही से कह सकते हैं सेम डिफिनेशन की डिफ्लेक्शन जब हम एक यूनिट वोल्टेज अप्लाई कर रहे होंगे तो हम बोल सकते हैं इसे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल या वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस टर्मिनल। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में अगर हम एक यूनिट पोटेंशियल करंट पोटेंशियल लगाए हो, वोल्टेज डिफरेंस लगाए हो, तो जो डिफ्लेक्शन मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। जिसे VS से रिप्रेजेंट होता है तो VS हम बोल सकते हैं क्या, थीटा पर यूनिट वोल्ट। V जो होगा IR होगा, हम इसे लिख सकते हैं थीटा बाई IR। ठीक है, थीटा बाई आई आर यानी कि हम इसे लिख सकते हैं थीटा बाई आई तो था NaV/C×R। आर क्या है, तो जो कॉयल ये सब यूज हुआ है उसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। ठीक है, जो भी कॉयल है जो भी कुछ होगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट, ये चीज। ये एक चीज नोट करना है, यहाँ पे VS इक्वल टू IS पे R तो नजर आ रहा है, लेकिन इसे याद रखना है कि VS जो होता है डज नॉट डिपेंड ऑन, IS
ठीक है, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है वो करंट सेंसिटिविटी पे डिपेंड नहीं करता है, इस चीज को याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूले से नजर आ रहा है कि हम थीटा बाय आई को आईएस रख देंगे तो आईएस बाय आर ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, तो हम एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कि अगर हम कैल्वेनोमीटर का एन जो है बढ़ाकर 2N कर दिए, तो ध्यान से देखो तो आईएस जो होगा वो 2IS हो जाएगा, क्योंकि तो आईएस दिख रहा है एन ए बी बाई सी, एन को अगर हमने डबल कर दिया तो आईएस डबल हो जाएगा। लेकिन इसी केस में हम लोग देखें तो अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया है तो लेंथ ऑफ क्वायल जो है, अगर हम इसे एल बोल रहे हैं तो ये भी हमें दिख रहा है कि ये डबल हो गया है, लेंथ डबल हो गया है, यानी कि हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं कि ये भी डबल हो गया है, बोल सकते हैं। तो वी एस इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो वी एस जो है प्रोपोर्शनल टू एन बाई आर है, तो इस केस पे हमें दिख रहा है कि एन भी डबल आर भी डबल, तो वी एस जो है ये हमें दिख रहा है ये नॉट चेंज है, यानी कि हम बोल सकते हैं वी एस डैश जो है वो वी एस के बराबर ही है, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ा लेकिन करंट सेंसिटिविटी डबल हो गया। इस चीज को ध्यान रखना है कि करंट सेंसिटिविटी पे वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इतना बात में किसी कोई कष्ट दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, हम लोग का खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग तो ये भी चीज पढ़े थे ना कि कोई भी अगर बार मैग्नेट रहता है तो बार मैग्नेट को हम लोग प्लस एम माइनस एम लिख सकते हैं, और कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एम के लिए लिख सकते हैं। हाँ, पहला दिन शायद किए थे सर। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज पे बेस्ड है एचसी वर्बम में क्वेश्चन चैप्टर नंबर 36, तो उसे भी एक बार पढ़ लेना, उससे क्वेश्चंस ज्यादा हमसे नहीं पूछे जाते हैं। तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल जो पढ़े थे उसी से रिलेट करके पढ़ लेना है बस, यहाँ क्या होता है कैसे होता है क्या चेंजेस हो रहे हैं उतना ही करना है, हो जाएगा, एक बार रीडिंग यस डाल सर। लेना। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का बस दो चीज इसमें रह जाता है, एक टेरिस्टेरियल मैग्नेटिज्म और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि पैरा मैग्नेट क्या होता है, डाई मैग्नेट किसे कहेंगे, वो सब चीजें अब देखते हैं। टेरिस्टेरियल मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म जिसे कहेंगे, मैग्नेटिज्म या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म जो भी हो, यानी कि ये चीज जो है ये क्या कहते हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शोन बाय अर्थ, अर्थ जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है उसे हम लोग मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कंपास या फिर बार मैग्नेट को फ्रीली लटकाते हैं तो नॉर्थ की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लटकता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि अर्थ के पास भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शोन बाय अर्थ को अर्थ मैग्नेटिज्म। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका, मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जियो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जियो लगा देते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए।
रीजन कोई बताएगा क्या होता है, रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म? टेंथ क्लास में भी था। हेलो, नहीं पता। रीजन देखो कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर करंट कैरिंग कॉइल हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ है, ठीक है, तो अगर अर्थ है तो अर्थ के पास जो होता है, हम लोग जानते हैं कि मोल्टन मेटल्स होते हैं आउटर कोर में, अर्थ के देयर इज मोल्टन मेटल्स इन आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर में मोल्टन मेटल्स होते हैं। मोल्टन है यानी कि आयन से है, ठीक है, और वो आयंस जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के साथ साथ। अब आयंस हमें रिवॉल्व करते हुए दिख रहा है तो यहां से हमें दिख रहा है कि करंट होगा, करंट होगा, क्योंकि आयंस जो हैं सर्कल में घूमते हुए दिख रहे हैं, तो करंट एज सर्कुलर कॉयल बोल सकते हैं कि जैसे सर्कुलर कॉयल में हुआ करता था वैसा ही करंट होगा। तो अगर करंट है सर्कुलर कॉइल तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। तो रीजन फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, तो रिवोल्यूशन ऑफ मोल्टेन कोर इन द रिवोल्यूशन ऑफ मोल्टेन मेटल्स इन द अर्थ कोर, ठीक है। अर्थ कोर में जो मोल्टेन मेटल्स है, मोल्टेन है यानी कि आयंस होंगे उसमें, पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस, तो उन्हीं की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आयन से चार्ज मूव कर रहा है तो करंट होगा, और उस करंट की वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का। इतना बात में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब अगर हम अर्थ की बात करते हैं, जैसे कि अर्थ हो गया हमारा, ये अर्थ तो अर्थ में हम लोग जानते हैं नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो एंड है ऊपर, ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम अर्थ के लिए लिख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं जियोमेट्रिक नॉर्थ, ठीक है। ये जो एंड है इसे हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक साउथ, ठीक है ना, जियोमेट्रिक नॉर्थ पोल एंड जियोमेट्रिक साउथ पोल। जो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस होता है वो इससे थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस जो होता है वो टिल्टेड होता है, और ये जो दोनों के बीच का एंगल होता है ये लगभग 11.3 होता है, ठीक है, यानी कि दोनों एक्सिस है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बोल रहे, तो लगभग 11.3 डिग्री। ये जो एक्सिस बोल रहे हैं हमें, ये बोल रहे हैं मैग्नेटिक एक्सिस है, ये जो एक्सिस था ये जियोमेट्रिक एक्सिस था, ठीक है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है और ऐसा थोड़ा सा चेंज होता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाले एंड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, या फिर नॉर्थ सिकिंग पोल। ये वाला जो एंड है इसे बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक साउथ, या फिर साउथ सिकिंग पोल। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम अर्थ के मैग्नेट की बात कर रहे हैं
तो कोई भी ये मैग्नेट को नॉर्थ पोल वाले को अट्रैक्ट करेगा और ये साउथ पोल वाले को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा। अगर हम अर्थ का एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करें तो अर्थ का साउथ पोल इधर होगा और मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर होगा। तो मैग्नेटिक नॉर्थ ध्यान से देखो तो साउथ पोल की तरह ट्रीटेड होगा, मैग्नेटिक साउथ जो होगा वो नॉर्थ पोल की ट्रीटेड होगा क्योंकि वो नॉर्थ सीकिंग पोल है, यानी कि नॉर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थ का जो साउथ वाला है वो नॉर्थ की तरफ है मैग्नेटिक का, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ज्योमेट्रिक साउथ की तरह है। तो इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो इसे हम नाम दे रहे हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और साथ में बोल रहे हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, यानी कि नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि हमें साउथ की तरह ट्रीट होगा, ट्रीटेड एज साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेट का साउथ पोल की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, इधर वाले को नॉर्थ की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा, यानी कि अगर हम ये अर्थ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो हमें दिख रहा है कि ऐसा है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। तो जो फील्ड लाइंस होंगे हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पे ऐसा खत्म होता है। ठीक है, तो ऐसा हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। अगर हम एक कंपास को इसमें रखेंगे तो कंपास जो होता है, कंपास ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे पाइवर्टेड होता है ये, ऐसा एक डब्बे में बंद रहता है। ठीक है, ये वाला जो एंड है ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, ये साउथ पोल को। ये जो नीडल है ये भी मैग्नेट का ही बना होता है। तो अगर हम इसे किसी भी अर्थ सरफेस पे रखते हैं तो ये नॉर्थ वाला जो है वो हमें हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही दिखाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का साउथ जो है ज्योमेट्रिक नॉर्थ की तरफ है। तो कंपास जो हम लोग यूज करते हैं, जैसा हमेशा सुने होंगे कि जो कंपास होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसे अगर हम लोग रखें किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक साउथ की तरफ दिख रहा जा रहा है, यानी कि नॉर्थ सीकिंग पोल की तरफ जा रहा है, यानी कि वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाएगा। इतना बात में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, ये सारे चीज सिंपल सिंपल चीजें हैं। इसमें अब दो तीन टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं। तो एक टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें अर्थ के कंपोनेंट लेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। तो जैसे कि अगर हम बात मानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी ऊपर ऊपर वाले केस के लिए, यानी कि अगर हम ये कोई पॉइंट मान सर लेते हैं। हाँ सर ये मैग्नेटिक सर ये फील्ड तो ये पोल से निकलेगा ना। हाँ तो पोल अर्थ के अंदर है ना, तो अर्थ के अंदर नहीं बना रहे, ऊपर से ही ऊपर दिखा रहे हैं। यस सर। ठीक ठीक है, अर्थ ये गोला वाला जो है अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, और उसमें हम बोल रहे हैं कि इसका जो मैग्नेटिक मैग्नेट होगा इसके अंदर, उसका साउथ नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में होगा, साउथ इधर, तो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ, यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे जाके खत्म होगा। क्लियर है? यस अब अगर हम डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन सरफेस,
ठीक है, अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ तो हम लोग अर्थ को एक छोटा सा मान के बनाया है, लेकिन अर्थ इतना छोटा होता नहीं है। हम लोग जहाँ खड़े हैं वहां पे फ्लैट फ्लैट नजर आता है, वो लगा अर्थ तो दिखता नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट मान रहे हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, इसको हम क्यू ले ले रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू। क्यू जो है हमें दिख रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्थ वाले पार्ट में। अगर हम वहां का अर्थ सरफेस देखें तो ऐसा अर्थ सरफेस है, इधर की तरफ नॉर्थ है, इधर की तरफ साउथ है, दिख रहा है? यानी कि हम इस छोटे से अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो इधर की तरफ नॉर्थ है और पीछे की तरफ साउथ है, तो ये नॉर्थ और ये साउथ कह सकते हैं। उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से आया है, दिख रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आया है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के दो दो कंपोनेंट हमें दिखेंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ दिखेगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ दिख रहा है। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, तो ये जो है हम इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट और इसे बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये वहां पे ये थीटा एंगल है तो हमें यहाँ ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, VH इज इक्वल टू BE कॉस ऑफ 30 डिग्री, 30 बोल रहे थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट दिख रहा है BE साइन थीटा, दिख रहा है? यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि टेन ऑफ थीटा जो होगा वो BV बाई BH होगा। हम लोग इतना कुछ यहां से बोल सकते हैं। ये जो एच वाला लिख रहे हैं वो हम बोल रहे हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और भी जो लिख रहे हैं वो हम बोल रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो अर्थ सरफेस पे हमेशा हमें कौन सा कंपोनेंट दिखेगा? हॉरिजेंटल, वर्टिकल वाला तो ऊपर से नीचे प्लेन में अंदर जा रहा होगा। यानी कि अगर हम कंपास रखेंगे तो कंपास, यानी कि वाला जो कंपास रखेंगे इसको वर्टिकल कंपोनेंट हिलाएगा या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बोलो? किसी भी जगह पे अगर हम कंपास को रखते हैं तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ही उस पे फोर्स लगाएगा। यस सर, ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे दिख रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो ये जो थीटा एंगल बनता है इस पॉइंट पे, इसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डीप, ठीक है, या फिर डीप एंगल या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रखा है, किसी भी सरफेस किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे जो एंगल कहलाता है वो एंगल ऑफ डीप कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो यहां से हमें दिख रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट पी ले ले, जैसे कि ये पॉइंट ले लेते हैं, तो ये पॉइंट पी जो है साउदर्न हेमिस्फेयर में है, तो लेट से पॉइंट पी जो है ये साउदर्न में है, साउदर्न हेमिस्फेयर, तो ये जो है हमें साउदर्न हेमिस्फेयर में दिख रहा है ये पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कैसा दिखेगा? ये हॉरिजेंटल सरफेस हम मान ले रहे हैं, हॉरिजेंटल सरफेस है, यहां से ऐसा निकल रहा है, यानी कि आगे की तरफ नॉर्थ, पीछे की तरफ साउथ। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से हमें ऐसा किसी एंगल पे निकलता हुआ दिख रहा है जो कि सरफेस से थीटा बना। तो इस केस में भी हम देखेंगे तो हमें दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, बी हॉरिजेंटल एंड बी वर्टिकल। तो यहाँ भी थीटा को एंगल ऑफ डीप ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी एच जो दिख रहा है वो क्या है, बी कॉस ऑफ थीटा है, एंड बी वी जो है बी साइन थीटा है। इन दोनों फिगर से हमें यही चीज दिख रहा है, ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे नोट करने वाली बात ये दिख रही है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एच जो है
ऑलवेज डायरेक्ट्स अलोंग जियोमेट्रिकल साउथ टू जियोमेट्रिकल नॉर्थ। ठीक है, हमेशा देखो यहाँ भी बीएच को उधर ही देख रहे हैं, यहाँ भी बीएच साउथ टू नॉर्थ ही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हो या साउदर्न हेमिस्फीयर पे हो। तो ये चीज हमें पता चला, तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी कंपास को यूज करते हैं तो कंपास एलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं कि कंपास जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, तो इसी वजह से करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉर्थ से साउथ, यानी कि अगर हम ये कंपास यूज कर रहे हैं तो ये नॉर्थ पॉइंट है, ये साउथ पॉइंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसे हम अर्थ पे हॉरिजॉन्टली रखे होंगे, तो जिधर की तरफ यहाँ से अगर बी एच दिख रहा है, जैसे अगर हम मान लें कि इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये बी एच है, यहाँ पे हम ऐसा कंपास को रख दिया, यानी कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, साउथ पोल पे इधर की तरफ, और ये जो है दिख रहा है कैसा रोटेट होके इधर की तरफ हमें दिखाने लगेगा, यानी कि हमेशा हमें नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखाता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? इतना बात में किसी को दिक्कत? नो सर। तो ये सारी चीज बेसिक बेसिक चीजें थी। हाँ नो सर, नहीं है। तो ये अभी तक जो हम लोग देखे, इसमें हम लोग बेसिक बेसिक देखे कि अर्थ मैग्नेटिज्म में, कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्यों होता है, कैसा होता है, उसका साउथ किधर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ किधर रहेगा, फिर पॉइंट देखते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल वाला वो हमेशा जो है नॉर्थ की तरफ ही डायरेक्शन करके रख रहे हैं, ज्योमेट्रिक साउथ से ज्योमेट्रिक नॉर्थ की तरफ ही है। तो अगर हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी भी कंपास को रखते हैं तो भी इसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा, तो इसलिए हमें कोई भी कंपास हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाता है। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत? सर आवाज कट रही है। हम लोग आ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि इसमें और कुछ टर्म्स बच गए हैं, जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन किसे कहते हैं, ज्योमेट्रिक मेरिडियन किसे कहते हैं, ठीक है, फिर डिप नीडल क्या होता है, और फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी डायमैग्नेटिक किसे कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक किसे कहेंगे, तो सब चीजें हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 यानी कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5, उसमें मोस्टली थ्योरेटिकल है, तो उसे पढ़ लेना एक बार। ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है फिर, क्योंकि जो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो सारा थ्योरेटिकल ही होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।